Press the bell icon on YouTube and don't miss another update. It's Shivraj Singh Chouhan, the former Chief Minister of Madhya Pradesh, who lost the battle for Madhya Pradesh just a few months ago in December 2018, very, very narrowly. Shivraj ji, aapka ThePrint mein swagat hai. तो सर ये बताइए कि दिसंबर में जब विधानसभा के चुनाव में जब आप हारे थे बहुत ही कम सीटों से, तो उस चुनाव और आज के जो चुनाव है जो जहां से साध्वी प्रज्ञा ठाकुर लड़ रही हैं, तो आपको लगता है ये वाला ज़्यादा टफ है कि वो वाला ज़्यादा टफ था? ये तो टफ है ही नहीं, एक तरफा चुनाव है। आप उस चुनाव को भी देखेंगे तो 17 लोकसभा की सीटों में बीजेपी आगे थी, लोकसभा के पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी की वोट अगर आप गिने 12 में केवल कांग्रेस आगे थी। तब से लेकर नर्मदा जी में काफ़ी पानी बह गया है, एक लहर मोदी जी के नाम की पूरे देश में चल रही है जो सुनामी के रूप में परिवर्तित हो रही है। दूसरा फायदा हमें यह है कि 4 महीने में जो कांग्रेस की सरकार यहाँ आई, जनता में त्राही त्राही मची है, और मैं जहाँ जाता हूँ लोग कहते हैं मामा जल्दी वापस आ जाओ, मारे गए हम तो, गलती हो गई, झूठे वादे करके ये लोग सरकार में लौटे। तो लोकसभा के चुनाव के लिए कांग्रेस की सरकार हमारे लिए वरदान बन गई है, प्यार से ये चुनाव बहुत आसान है भारतीय जनता पार्टी के लिए। सर आपको प्यार से मामा बुलाते हैं इधर भोपाल की जो जनता है, लेकिन ये बताइए कि क्या ये चुनाव धर्म युद्ध है? धर्म किसे कहते हैं? नहीं, मैं आपसे पूछ रही हूँ क्योंकि साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने इस चुनाव को, अपने चुनाव को धर्म युद्ध कहलाती है। धर्म क्या है? आतंकवाद के खिलाफ लड़ना धर्म है, आतंकवाद का समर्थन करना अधर्म है, अन्याय के खिलाफ लड़ना धर्म है, अन्याय का साथ देना धर्म है। अगर कहीं कोई अच्छी चीज़ हो रही हो तो उसको हम धर्म मानते हैं, धर्म के जो लक्षण गिनाए गए, और गलत चीज़ होती है तो वो अधर्म है। आप क्या मानते हैं? अच्छाई की तरह, अच्छाई की तरफ जो लड़ रहा है वो मानता है कि मैं धर्म की तरफ से लड़ रहा हूँ, और इसलिए धर्म का मतलब कोई ऐसा नहीं कि किसी उपासना पद्धति से या रिलीजन से जोड़ के आप बात कर रहे हैं। कुछ मूल्यों के लिए जो लोग लड़ते हैं वो धर्म के लिए लड़ रहे हैं। तो आप क्या कहते हैं सर, क्या ये धर्म युद्ध है? चुनाव है, चुनाव को जिस सेंस में मैंने कहा आप धर्म युद्ध कह सकते हैं। क्योंकि साध्वी आप जानते हैं कि इस प्रज्ञा ठाकुर इसको धर्म युद्ध बुला रही हैं, बता रही हैं, लेकिन जो आप आतंकवाद की अब आप बात कर रहे थे उनके खिलाफ मालेगांव केस को लेकर आतंकवाद के चार्जेस फ्रेम किए गए, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक एक्यूजेशन है, चार्जेस फ्रेम हुए हैं। झूठे चार्जेज फ्रेम कर देना, बना देना, और हमारी जो तकलीफ है वो इस बात से है कि जब आतंकवादी घटनाएं हो रही थी उस समय ये सिद्ध करने की कोशिश की गई कि नहीं, हिंदू आतंकवाद भी है, भगवा आतंकवाद भी है, एक शब्द जो कभी अस्तित्व में नहीं था। देखिए, हिंदू तो हमेशा ये कहता रहा है एकम सद विपरा बहुधा वदंती, सत्य एक है, विद्वान उसको अलग अलग तरीके से कहते हैं, वसुदैव कुटुंबकम, प्राणियों में सद्भावना हो विश्व का कल्याण हो, आत्मवत सर्वभूतेषु सर्वे भवतु सुखिनः। एक मिनट, अब इस संस्कृति और विचार को अब आतंकवाद से जोड़ोगे ये उचित नहीं है। जोड़ने की कोशिश हुई सर, संस्कृति को नहीं जोड़ा जा रहा है। जो मालेगांव केस में जो ब्लास्ट हुआ था, जो उनकी मोटरसाइकिल जो पाई गई थी उधर, और चार्जेस जो फ्रेम हुए, कह रहा हूँ कि एक सनातन संस्कृति और विचार को आतंकवाद से जोड़ने की कोशिश की गई, उसको भगवा आतंकवाद नाम दिया गया, और ये सिद्ध करने की कोशिश की गई कि भगवा भी आतंकवाद होता है, हिंदू आतंकवाद भी होता है, जो गलत था। नहीं सर, वो अपनी जगह पे है सर, क्योंकि मैं अपने विचार व्यक्त करूंगा। उस साजिश की शिकार बनी साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर जी, उसके सूत्रधार थे दिग्विजय सिंह जी, और इसलिए अमानसिक यातनाएं उनको दी गई, 9 साल वो जेलों में रही, शरीर उनका तोड़ डाला गया। वो जो अन्याय उनके खिलाफ हुआ, उस अन्याय के खिलाफ हमारा सत्याग्रह है, साध्वी प्रज्ञा सिंह जी की उम्मीदवारी, और हम विकास के लिए लड़ रहे हैं, जन कल्याण के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन वह भी एक मुद्दा है। सर, बहुत से लोग भोपाल में कहते हैं कि खास करके जो SC समाज से हैं कि ये गलत हुआ है कि जिस तरीके से एक तरफ हम मोदी जी आतंकवाद के खिलाफ लड़ते हैं, दूसरी तरफ प्रज्ञा ठाकुर आतंकवाद के चार्जेस में जो हैं बंधी हुई हैं। हम ना SC मानते, ना ST मानते, ना OBC मानते, हम कुछ नहीं मानते, हम मानते हैं सिर्फ SC की नहीं बात करी, लेकिन नहीं मैंने कहा हम तो जनता जनता है हमारे लिए, नहीं मैं बाकी सब एक है, सब भारत के नागरिक हैं, हम सबको प्यार करते हैं, सब हमें प्यार करते हैं। उसका SC का रहने दीजिए, लेकिन ये मेरा आखिरी सवाल ये है कि मोदी जी
आतंकवाद के खिलाफ रोज बोलते हैं, लेकिन साध्वी प्रज्ञा आतंकवाद में ही घिरी हुई है, जो चार्जेस हैं ये बेकार की बात है, हमने पहले ही कहा। बेकार की बात कैसे हो गई? वो फंसाया गया है, और जहाँ तक नरेंद्र मोदी जी का जहाँ तक सवाल है, वो भारत के लिए भगवान का वरदान है। एक ऐसा प्रधानमंत्री भारत को मिला है जिसने एक वैभवशाली, गौरवशाली, संपन्न, समृद्ध और शक्तिशाली भारत का निर्माण किया, एक नए भारत का उदय हुआ है, लोग उनके पीछे खड़े हैं, लोग उनके साथ। सर, थैंक यू सो मच फॉर स्पीकिंग टू द प्रिंट। दिस इज ज्योति मल्होत्रा इन भोपाल फॉर द प्रिंट।